मित्रों, आज हम आपको तुलसी के 5 और 7 पत्तों का उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिक परेशानी है, आप डिप्रेशन में हैं, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, आपके बच्चे मंद बुद्धि के हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पति पत्नी में तलाक की स्थिति आ गई है, आपको रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी बनी रहती है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपके घर में वास्तु दोष है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कई प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, तो आज हम आपको तुलसी के पत्तों का बेहतरीन उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, यदि आप अनेक परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, मानसिक परेशानी है आपको, या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपको एक काम करना चाहिए, 5 तुलसी के पत्ते आप ले लें। जैसे आप मानसिक परेशानी में हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको नींद नहीं आती है, आपके घर में धन की कमी है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, तो आप 5 पत्ते ले लें पूजा करते समय, और उनमें जो तुलसी सूख जाती है उसकी लकड़ियों को पीस करके चूरा बना लें, और गोपी चंदन में घोल करके उसका चंदन बना लें, और तुलसी की लकड़ी से उन 5 पत्तों में, इनमें आपको लिखना ओम, एक में नमो, एक में भगवते, एक में वासु और एक में देवाय, ऐसा वो 5 पत्तों में आपको लिखना है और उनको अपने तकिए के नीचे रख लेना है। यह क्रम आपको लगातार 11 या 21 दिन तक करना है। सुबह जब आप उठते हैं तो तुलसी के पत्तों को एक जगह एकत्रित करते चले जाए और 21वें दिन उनको निकाल करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, तो आपके घर में जो भी समस्या चली आ रही है, आप मानसिक परेशानी में गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर में पति पत्नी में मतभेद चल रहा है या तलाक की स्थिति आ गई है, तो पति पत्नी चाहे तो दोनों इस प्रकार से रख लें, या पत्नी रख लें, पत्नी को लगता है कि पति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो पत्नी रख लें, पति को लगता है कि पत्नी को सुख प्राप्त नहीं हो रहा तो वो अपने तकिए के नीचे रख ले, और इस प्रयोग को इस प्रकार से 11 दिन तक या 21 दिन तक लगातार करे, और उसके पश्चात उन पत्तों को एकत्रित करके और किसी बहते जल में प्रवाहित कर दे, तो उसके घर में सुख शांति का वातावरण निर्मित होगा। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, मानसिक उनका विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के तकिए के नीचे भी इस प्रकार से आप 5 पत्तों को रख दें। अब आप जो है तुलसी के 7 पत्ते ले लें और उनको एक प्लेट में रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें और एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें, और फिर उसके पश्चात में पूजन करने के पश्चात में उन पत्तों को आप सेवन कर लें। यानी आपको 7 पत्ते लेना है, उनको गंगा जल या शुद्ध जल से साफ कर लेना है, एक प्लेट में उनको रख देना है, घी का दीपक जला देना है, और वहां बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, और एक माला आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, और पूजन समाप्त होने के पश्चात में उन पत्तियों को आपको खा लेना है। तो किसी भी प्रकार के आपके भाग्य में रुकावट आ रही होगी, कोई भी आपकी जन्म कुंडली में ग्रह पीड़ित होगी, तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके भाग्य में वृद्धि होगी, रुके हुए आपके कार्य बनेंगे, नौकरी नहीं लग रही है तो आपकी नौकरी लगेगी, व्यापार नहीं चला है तो व्यापार चलने लगेगा, और आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग यदि कर लिया गया है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, मानसिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यदि आपका स्वास्थ्य खराब है या आपके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, तो आपको एक कटोरी में आप जल ले लें
उसमें 7 बूंद गंगा जल का और 7 पत्ते जो है आप तुलसी दल के डाल दें और एक काली मिर्च पीस करके डाल दें और उसको सामने रख करके घी का दीपक जला दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करें और उस बीमार व्यक्ति को दिन में उस जल का 3 बार सेवन करा दें तो जो दवाइयां उसको नहीं लग रही वो दवाइयां लगना प्रारंभ हो जाएगी और उसके स्वास्थ्य में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि जिस घर में तुलसी का झाड़ होता है या जो इस प्रकार का प्रयोग करते हैं उन्हें पूरा सात्विक तरीके से रहना चाहिए, उस घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ यदि आप इन उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।